Hello everybody, welcome to my channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. I'm sorry, I forgot to introduce karna bhul gaya. She is Sushi. She is my girl. इसको मैं कहीं से लेकर आया था. अगर आपको हिस्ट्री जाननी है इसकी तो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन माय वीडियोस. काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने इन पे करी हैं. दे आर वन ऑफ द बेस्ट पेट्स दैट यू कैन हैव. यस दे आर. या सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है. ये बहुत छोटा वीडियो है क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ समझाने नहीं वाला हूँ या कुछ दिखाने नहीं वाला हूँ. आई एम जस्ट गोना टेल यू समथिंग जो कि मैंने डिसाइड किया है. सो एज यू गाइज नो, मैं थोड़े कम ही अपडेट्स देता हूँ रिगार्डिंग माई फिशेज. आई एम सो सॉरी, आई जस्ट यू नो आई शुड रियली कीप हर इससे पहले गिर जाए. सो या मैं काफ़ी कम ही अपडेट्स देता हूँ रिगार्डिंग माय फिशेज. जैसे मेरी जो स्नेक हेड है और जो मेरी डिस्कस है लास्ट जो बची थी एंड माय पेटा फिश. आई वाज नॉट एबल टू यू नो बॉन्ड विद माय फिशेज क्योंकि कुछ टाइम पहले, जैसा कि आई अपडेटेड यू पहले, माय वन डिस्कस डाइड. देन द अदर वन डाइड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट जिसमें मेरा एक्वेरियम में हीटर बर्स्ट हो गया था. उसकी वजह से शॉक हुआ और मेरी एक डिस्कस उसकी वजह से स्ट्रेस में आ गई. एंड द अदर डे इट वाज डेड. तो सिर्फ लास्ट डिस्कस फिश बची थी जो कि आई डिसाइडेड टू गिव टू माय फ्रेंड जिसके पास काफ़ी डिस्कस फिश है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अकेली हो जाए और अकेले होने के बाद वो भी स्ट्रेस में आ जाए. आई जस्ट डिडंट वॉन्ट दैट. तो इस वजह से मैंने ये करना सही समझा क्योंकि मैं उसको भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता था क्योंकि डिस्कस फिश जो होती है वो अकेले नहीं रह पाती है. बट या जैसा कि मेरे साथ हुआ रिगार्डिंग माय डिस्कस फिश एक्सपीरियंस, वो वाली चीज़ जो हुई, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. मैं अपनी अभी तक की जर्नी जो है एक्वेरियम से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. आई हैड माई एक्वेरियम फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज इन माई सेवेंथ स्टैंडर्ड. I was a little boy, always up to see some fish and stuff like that. So I was really passionate about it. बहुत ज़्यादा ही मुझे interest आता था इनमें. तो you know my dad got me an aquarium और उसमें I used to have some goldfishes. काफ़ी सारी तरीके की goldfish मेरे पास हुआ करती थी and I used to love them. Then I grew into that और उसके बाद मैं Oscars पे आ गया. I used to keep green terrors also. Obviously I had a big aquarium then. I kept Oscars, green terrors and you know bycers. One of the bycers was my favorite Senegal bycer albino. He was with me for around 8 years or so. और उसके बाद अमोनिया पॉइजनिंग की वजह से I lost him. But he was a really 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 beautiful and he used to you know have the feeding off from my hand. मैं जैसे ही खाना लेकर डालता था उसे और वो आती थी और मेरे हाथ से खाती थी. He was beautiful or she was beautiful. I didn't know the gender. फिर उसके बाद I came on to arowanas. मैंने काफ़ी सारी arowanas रखनी शुरू की. arowana के साथ और भी काफ़ी सारी bottom feeders I tried. Then it came planted aquariums. और हाँ, देर वॉज अ टाइम जब मेरे पास 3-4 एक्वेरियम होते थे काफ़ी बड़े वाले. तो मैं स्टोन फिश, मुझे बहुत पसंद है जिसे फ्रेश वाटर फ्रॉग फिश आई मीन या फिर टोड फिश भी बोला जाता है. तो आई केप्ट दैट ऑल्सो, डिड वेरी वेल. ऑल ऑफ द फिशेज डिड वेरी वेल. आई ऑलमोस्ट केप्ट ऑल द फिशेज दैट आई एवर वॉन्टेड टू. सिकलेट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था एक टाइम पे. तो आई हैव केप्ट देम, आई हैव काइंड ऑफ ब्रेड देम ऑल्सो. पर या arowana के बाद आई केम ऑन टू डिस्कस फिश. एज यू गाइज नो इट हैज़ बीन ओवर 5 ईयर्स और सो जब से मेरे पास डिस्कस फिश थी. तो आई केप्ट देम, आई एन्जॉयड इट. येस आई एन्जॉयड इट वेरी वेल. प्लांटेड एक्वेरियम, आई एन्जॉयड द जर्नी, इट वॉज वेरी गुड. पर एट दिस पॉइंट आई थिंक देर has to be a gap. काफ़ी gap होना चाहिए. So I
think I am just quitting this aquarium hobby for a little while. क्योंकि वो disgust fish जो 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 I lost recently जो मर गई हैं कुछ time पहले I really had a very nice bonding with them. 5 साल से बहुत अच्छा bond रहा था मेरा. So you know it is just necessary क्योंकि I don't really want to continue forcefully. Because I don't really feel like doing that. तो मैं forcefully नहीं करना चाहता just because I have an aquarium. मेरे पास एक aquarium है. सिर्फ यही वजह नहीं होनी चाहिए fish रखने की. तो इसलिए you know I am going to quit this hobby. Maybe मैं कुछ time बाद ये दोबारा start करूँ. I will let you know guys. पर हाँ काफी time gap मैं देने वाला हूँ. ऐसा मैंने सोचा है. क्योंकि I have almost kept all the fishes. Really understood everything about them. मेरे काफी सारे plans थे regarding my fishes, but yeah, when I lost some discuss, I thought कि थोड़ा सा time मुझे gap की जरूरत है. तो I'm just doing this. जो snakehead है, वो भी मैंने अपने एक friend को दी है, Rahees, you know him. मेरी rescue team का बहुत अच्छा member है वो. तो he is having my you know he is going to have my rainbow snake head jaane wali hai uske paas discus fish already chali gayi hai. I'm going to remove all the plants, all the stuff from my aquariums. I'm going to utilize my aquarium, maybe new pets I would say, yeah, but not fishes for sure. Main fishes nahi rakhne wala hu for some time. So just take care of you, your family, your pets, and be wild.